हे गाइस, वेलकम टू क्लाइनलॉर्ड्स गेमिंग चैनल। एंड पबजी मोबाइल हम तो रोज़ खेलते हैं, लेकिन पबजी लाइट भी अभी आ गया है, पीसी वाला, जिसको अभी इंडिया में नहीं लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी थाईलैंड में ये लॉन्च है। तो अभी हम देखते हैं इसको इंडिया में हम कैसे खेल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या करना है, आप उसको फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप। एंड जिसको आप फॉलो करके आप पबजी लाइट को अपने पीसी पे खेल सकते हो आराम से। ये भी फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। ये वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको फॉलो कर लेना। सबसे पहली वेबसाइट ये garena.sg है, इसको आपको ओपन करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इसको आप ओपन करने के बाद इस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे आप। ठीक है, करके मैंने अकाउंट बना लिया है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ ऑलरेडी। आप अकाउंट बना के फिर लॉगिन करिएगा। ठीक है, लॉगिन मैंने कर लिया है, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये गरेना पीसी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, न्यू विंडो खुलेगी, इस पे आप डाउनलोड नाउ करेंगे। ठीक है, डाउनलोड नाउ होगा, इसके बाद डाउनलोड होगी फ़ाइल, ये 50 MB की फ़ाइल है लगभग, वो फ़ाइल आपकी ओपन होगी। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको करना क्या है, आपको जो टाइम जोन है उसको थाईलैंड टाइम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी आपका इंडियन टाइम चल रहा है इसमें, वो आप थाईलैंड टाइम में कन्वर्ट करोगे। तो आप कंट्रोल पैनल में जाओगे। ठीक है, अभी कंट्रोल पैनल में आ जाओगे आप, यहाँ से क्लॉक एंड रीजन में जाओगे आप। ठीक है, यहाँ से चेंज द टाइम जोन में जाओगे यहाँ से। ठीक है, ये विंडो खुलेगा, उसके बाद चेंज टाइम जोन में जाओगे, ये आपका अभी ये सेलेक्ट होगा ऑलरेडी, तो इसको अब चेंज करना है आपको बैंकॉक में। ठीक है, ये देखो थाईलैंड वाला बैंकॉक कहाँ गया, यही होगा बैंकॉक। ठीक है, तो ये वाला जो बैंकॉक है इसको आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ओके दबाओगे इसको, ओके, इसके बाद ओके दबाओगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, एंड ये आपने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, गेरेना पीसी, इसको आप ओपन करोगे डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप पे बना होगा, यहाँ से आपको साइन इन करना है। ठीक है, अपना यूज़र अकाउंट जो भी है आपने बनाया था अभी गरेना पे, उसको यहाँ डाल के, पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करना है। ठीक है, आपको लॉगिन कर लिया, इस तरह से लॉगिन होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। अभी ये आपका पबजी लाइट नहीं दिखा रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे दिखाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको, ये प्रॉक्सी फायर डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जाओगे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड प्रॉक्सी फायर 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ठीक है, इसको डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो, फिर इसको ओपन करो, फिर मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। प्रॉक्सी फायर ओपन करते हैं, इसको कंटिन्यू इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे इस पर, फिर ये ओपन होगा अभी। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, थाईलैंड प्रॉक्सी सर्वर्स, ये हमने लिंक दिया हुआ है, ये अपडेट होता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है, इसके आईपी एड्रेस एंड पोर्ट वगैरह हमेशा अपडेट होता रहता है। आपको जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है एंड अप टाइम जिसका 100% या उसके आसपास है, उसको आपको एकदम सेलेक्ट करना है। रिस्पॉन्स टाइम भी, मतलब ये तीनों बार जो है मैक्सिमम ग्रीन होने चाहिए, आपको वो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हम प्रॉक्सी वाला खोल लेते हैं, प्रॉक्सी फायर। इसके बाद हम प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ ये वाले वेबसाइट पे आएंगे हम, freeproxy.cz। इसमें जो सबसे टॉप वाला है, मतलब जो सबसे ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, यहाँ पे एंटर करोगे एड्रेस में, पोर्ट में एंटर करोगे इसका जो पोर्ट दिया गया है। ठीक है, पोर्ट में एंटर कर दो,
और उसके बाद ये SOCKS वर्जन 4 आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ओके करोगे और इसके बाद ओके कर दोगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका, तो आप चेक कर लो क्या क्या आपको करना है, ठीक है। आपने पहले गरेना से ये डाउनलोड किया, इसके बाद नेक्स्ट आपने टाइम जोन चेंज किया थाईलैंड पे, इसके बाद थर्ड स्टेप में प्रॉक्सी फायर डाउनलोड करके उसमें हमने ये प्रॉक्सी डाल दिया, इसमें आईपी एड्रेस एंड पोर्ट डाल दिया, ठीक है। अभी आप गरेना पे आओगे, यहाँ सेटिंग पे जाओगे, ठीक है। ये रीजन में आपका सिंगापुर सेलेक्ट होगा पहले, इसको आप थाईलैंड में सेलेक्ट करके सेव कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पबजी लाइट आपको दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपका जहाँ प्ले दिख रहा है वहाँ पे आपका इंस्टॉल बटन आएगा ग्रीन कलर का, ठीक है। उसको आप क्लिक करके इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल होने लगेगा ग्रीन कलर में, ठीक है। 2 GB का है तो इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से, और बस आपको इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का विंडो आ जाएगा, एकदम प्ले बटन रेड कलर का, ठीक है। प्ले बटन पे आप क्लिक करोगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए चलने लगेगा ये, ठीक है। इस तरह से ये लोड हो रहा है, देखते हैं। अगर जो लोड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी चेंज करेंगे वहाँ से, ठीक है। देखो ये पबजी पीसी लोड होने लगा है अभी, तो एकदम पबजी पीसी ओरिजिनल वर्जन की तरह एकदम चल रहा है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है, कनेक्टिंग। लेट्स सी, ये पूरा पता नहीं, टर्म ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करो आप, प्राइवेसी को एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो, निक नेम डालो यहाँ पे, मैं अपना डाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप सही है। इसका वॉल्यूम मैंने एडजस्ट कर लिया, आप एडजस्ट कर लोगे इस तरह से। इसके बाद ग्राफिक्स में देख लेते हैं, रेजोल्यूशन 1440p है और ब्राइटनेस ये ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी अल्ट्रा में है मेरा, क्योंकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड है भी तो मैंने अल्ट्रा में सारा कर रखा है, ये देखो सारे अल्ट्रा है, ठीक है। अप्लाई कर दोगे, इसके बाद क्लोज़ कर दोगे एंड ये आ गया है इरेंगल में। चलो हम ट्राई करते हैं अपना पहला मैच देखते हैं, चलो लेट्स सी। एकदम पबजी पीसी की तरह लोड हो रहा है, एकदम सेम वैसे ही है, देखते हैं ग्राफिक्स कैसा है। वाओ, सेंसिटिविटी वगैरह अभी चेंज करना पड़ेगा मुझे, ग्राफिक्स तो बढ़िया है यार पबजी तो शो मोबाइल मैं वाला अभी भी। वही शो मैं ना यो अरे ये सब चाइनीज तुम लैंग्वेज, बोलने ना नहीं लैंग्वेज म्यूट कैसे करते हैं भाई इसमें। शो मैं ये तो कंट्रोल वगैरह तो अभी कहीं ना पता नहीं चल रहा है मुझे, तो फिलहाल ये है कि चलने लगा है अभी। थाईलैंड वाले बंदे ज़्यादा मिलेंगे आपको इसमें अभी, ठीक है। तो अभी पता शो नहीं इन चल रहा है, दो एकदम फ्रेश चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, विदाउट एनी लैग चल रहा है। मैं लोग मिले बैटरी मैं बैकअप जो भी ठोंगे बढ़िया ठोक है खोई आपका, नहीं इसकी आवाज़ में म्यूट कर बैटरी दो। कोई नहीं है ना, ठीक है, वॉइस चैट मैंने म्यूट कर दिया है, और सेंसिटिविटी भी मुझे चेंज करनी है गाइस अभी, तो अभी मैच अच्छा नहीं होगा वैसे। चलो थोड़ा सा खेल के देखते हैं, फॉलो कैसे करते हैं यार इसमें, फॉलो करने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पबजी पीसी मैंने एक दो बार केवल खेला है तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है क्या है।
कंट्रोल में सेंसिटिविटी थोड़ा बढ़ना पड़ेगा उसका। अभी ठीक है थोड़ा। बिन 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 चलो कहीं भी उतर जाते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल देखते हैं। रोजक चल के देखते हैं, पहुंच नहीं पाएंगे वैसे लग रहा है। स्कूल चलते हैं। तो गाइस देख लो, बहुत अच्छा चल रहा है अभी, विदाउट एनी लैग चल रहा है। लोल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मस्त चल रहा है एकदम। और अभी जो आपको प्लेयर मिलेंगे वो आपको जनरल में जाओगे तो थाईलैंड वाले ही कोई मिलेंगे। क्या है बंदे तो ऑलरेडी उतर गए यहाँ पे। अरे बहुत बंदे उतर रहे हैं यार यहाँ तो। तो गाइस देखते हैं इंडिया में ऑफिशियली कब आता है ये। फिलहाल अभी आपको खेलना है तो खेल सकते हैं। ओ भाई 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 भाई, पहुँच गया बंदा। बहुत मस्त क्वालिटी की ग्राफिक्स हैं इसकी। ये अरे यार कुछ तो मिल गया। अरे भाई इसमें आपको ऑटो पिकअप करना पड़ेगा एंड गन भी आपको मिलेगी, तो रिलोड करने के लिए आपको। तो मार मार दिया मार दिया मार दिया। कौन कौन आगे सुन लिख ना अरे गोली खत्म हो गई भाई। मी पर नहीं मी का सुनना ओ है भाई भाई इंडिया। भाई ओ भाई सेट। चलो ठीक है, आपको फिलहाल मुझे बताना था कि कैसे खेलते हैं। ठीक है देखो, एकदम परफेक्टली चल रहा है, एकदम विदाउट एनी क्रैश चल रहा है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड खेलिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ ऐड करके। एंड आप पबजी मोबाइल अगर जो खेलते हो तो मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो एंड साथ में खेल भी सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे आपको बताना था कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है आपको विदाउट एनी यूज़ ऑफ वीपीएन, एंड आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो, खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। जो ओरिजिनल वाला पबजी पीसी है वो 1000 रुपये का आता है, तो इसको आप पबजी लाइट जो है सेम वैसे ही है, मुझे तो कोई डिफरेंट नहीं लगा उससे। ठीक है तो आप खेलिएगा इसको एंड कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइएगा, कोई सजेशन हो तो बताइएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।